कि तुम कर्म कर, कर्म करने का साथ ही है, फल का तेरे बात पर नहीं है। अब फल हम कसूर का है कि हम ये किया हमको ये मिल जाए, हमने कभी दर्शन नहीं कहा नहीं भगवान से, हमको दर्शन दियो तुम, इस दर्शन दियो। जब सत्य जब आपके अंदर भावना जागृत होगी तो समय सब दर देगी, अब आप अपने आप दे दोगे, कहने से नहीं होता है, कहने से आदमी को और होता है, लेकिन जब अपने आत्मा जागती है। एक भगत शिष्य हमारा, इच्छा करो, इच्छा करते रहो तो कभी कभी पूरा हो जाएगा, भगवान कहते पूरा हो गया तुम्हारा, पूरा होगा, ये गारंटी बात है पूरा होगा, लेकिन ये है कि लगे रहने की बात है, लगे रहो, निराश होने की बात नहीं है। कि अच्छे अच्छे संत मिलते हैं, अच्छे अच्छे महात्मा मिलते हैं, ज्ञानी से मूर्ख से सबसे बस मिलते हैं और तुम सब में घुस जाते हो ये भी भगवान की कृपा है। अपने को परमात्मा की मेरी कृपा समझो कि इस लाइन में लगाया है, बस यही है कि जाने से अच्छा इसमें है। हाँ, और नम्रता ही आपके पास नम्रता है तो ये भगवान की कृपा है, बहुत होती है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी संतों के चरणों का दास मैं कन्हैया शर्मा, जैसे आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी मैं उत्तराखंड ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर हूँ, जैसे आपको पता है मैं अभी वहाँ गंगा के तट पर ही चल रहा हूँ, और यहाँ चलते चलते मैंने कुछ संतों की कुटिया देखी यहाँ पर, और जैसे कि वहाँ पर आपको मैं उनकी कुटिया में चलने की कोशिश करूँगा और उनकी कुटिया के दर्शन कराऊँगा। ठीक यहाँ पर थोड़ी सी आगे साथियों, जैसे आप दर्शन देख पा रहे चारों तरफ से कितना रमणीक, कितना सुंदर, जैसे देख पा रहे इधर तो सूरज की वजह से थोड़ा सा आपको ब्लैकनेस दिखाई देगा साइड तक, और यहाँ से अगर देखते हैं एकदम सुंदर, थोड़ा सा आपसे मिले साथियों। आज जिन आश्रम के दर्शन कराऊँ, जिन फलारी जी के दर्शन कराऊँ, पहले तो इन महाराज जी के माध्यम से दर्शन हो रहे हैं, तो इनको पहले प्रणाम करता हूँ, आपको मेरा प्रणाम। ओम नमो नारायण प्रभु। ओम नमो नारायण। महाराज जी, पहले जैसे आप यहाँ पर हैं तो जिन महाराज जी का आप दर्शन करवा रहे हैं, जिन महाराज जी का हम भक्तों को दर्शन करवा रहे हैं, किस प्रकार महात्मा जी है, उनका क्या महत्व है यहाँ? ये तो वैसे रामानंद संप्रदाय होता है ना, वैष्णव वाले जी, राम जी कृष्ण को जो ये पूजा करते और वैरागी महात्मा है। वैरागी महात्मा है, बोला अच्छे महात्मा है, जिन भक्तों को दर्शन करवाना इस स्थान के बारे में बताना सही रहेगा। अच्छा गुरु जी, मेरे को प्रणाम स्वीकार करेंगे दास का। गुरु जी, जैसे बहुत सारे गृहस्थ में भजन करते हैं लेकिन भजन क्या नियमित नहीं हो पाते हैं, कभी छूट जाते हैं, कभी कम होते हैं, और 10 दिन ज़्यादा होने के बाद सोचते हैं कि कुछ फल नहीं मिलता, तो ये क्या कारण होता है कि भजन नियमितता नहीं बन पाती? भजन का ये है कि देखो, सब चीज़ गीता में लिखा हुआ है कि एक तो भजन करते हैं लेकिन आशा रख के करते हैं, कुछ स्वार्थ अपना, तो स्वार्थ हाली सिद्ध नहीं होता है। स्वार्थ में ऐसा है, निस्वार्थ लिखा हुआ है, निस्वार्थ करोगे तो थोड़ा बनेगा तो भी बहुत हो जाता है, निस्वार्थ में। और स्वार्थ में ऐसा, स्वार्थ में अगर बिल्कुल सही निकल जाएगा तब काम होगा, स्वार्थ ऐसा होता है। अच्छा, तो जो गृहस्थ हैं उनको झंझट, बहुत झंझट होता है, दिमाग बहुत सोचना होता है, इसलिए उनके भजन नहीं बनता है। और साधु हैं, साधु अगर वो संसार से छूट गए हैं, संसार को छोड़ दिया है, तो उनका हिसाब किताब ठीक रहेगा, अगर उसमें है तो वो भी पचे रहते हैं उसी में, कहाँ से आए, हाय हाय, कहाँ से जाए, कहाँ से आए, कहाँ से नहीं गए, कपड़ा है, पैसा आए, तो ऐसे है। तो गृहस्थी आदमी को तो ऐसा है कि भाई नहीं बनता है, हाँ वो छूट जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक ना से, फिर भी ठीक है। भगवान ने कहा ना से करना, ना करना से ठीक है, कुछ तो है, टूटा फूटा ही करे तो। हाँ, अच्छा गुरु जी, जैसे मैंने संतों से सुना है कि बिना त्याग के भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तो फिर वो
हम गृहस्थी है, जैसे आपने देखा हूँ कुछ लोग कहते हैं भोजन, जैसे आप फलाहारी हैं कुछ अंत्यागा था, आप बहुत कुछ लोग कहते हैं दूध ग्रहण करते हैं, फल ग्रहण करते हैं, या कुछ कहते हैं मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा, कुछ कहते हैं मैं घर में नहीं रहूंगा, तो क्या त्याग किसे कहते हैं? असलियत में जो हम किसी चीज़ को, वस्तु को त्यागते हैं वो त्याग है, या हम किसी अंदरूनी विकारों को त्यागे वो त्याग है? नहीं, वो त्याग ये ऐसा है कि कई कई हिसाब होता है, सबका अलग अलग हिसाब होता है, सबका अलग अलग होता है, तो कई कई हिसाब होता है। त्याग दिखाने के लिए होता है कि जनता खुश होगी, जनता हमारे पर पड़ेगी, हमें दिखाने के लिए होता है। और कई को कुदरती होता है, परमात्मा को प्रसन्न करने का त्याग होता है। तो जो परमात्मा को त्याग करने का होता है, जैसे अपना भजन किया उन्होंने, तो अब वो भाई हमारा ऐसा है कि भगवान मान लिए, हाँ, तो भगवान उसको मानता है जो सही है वही उसको, और जो गलत है वो तो गलत तो रहेगा ही है। तो जो जिसने अब ऐसा है कि गृहस्थी में तो भाई नहीं बनता है, गृहस्थी में नहीं हो सकता है, निष्काम नहीं हो सकता है, कि उनको 100 झंझट होता है, 100 काम होता है करने का। भगवान ने इसलिए सबको साधु नहीं बनाया है, संसार को साधु बना दे तो कौन सा ऐसे बनाया, गृहस्थी बनाया, उसमें डाल दे, परिवार शादी हो गया, उस बच्चे हो गया, उसमें हो गया, अब काम करें नौकरी करें उसमें लगा दी, ये उसकी इच्छा है। अच्छा, जिसको वो चाहता है उसको उससे से अलग करता है, जिसको चाहता है उसको उसी में रहता है। और गुरु जी, जैसे कि पूजा पाठ करने में क्या क्या भाव के भूखे हैं भगवान? भगवान तो भाव के भूखे होते हैं और पूजा पाठ के भूखे नहीं है। लेकिन तो वो जो लगाते हैं वो भी जो सच्चे भाव से लगाते हैं वो अरोकते हैं, लिखा हुआ अरोकते हैं। अच्छा, तो वो सबको ग्रहण करते हैं, लेकिन ये है कि जैसा जो जैसा जिसकी भावना रही, जैसा जैसे जिसकी मुहूर्त जैसे मुहूर्त, तो जैसी जाकी भावना है वैसे उसको उस भगवान है। भगवान अनेक रूप रहते हैं, अनेक रूप भगवान करते हैं, जैसा जिसकी भावना वैसे पूरा करते हैं वो सब। अच्छा, तो कहते हैं उसी में है गुरु जी। जैसे माफ़ी चाहता हूँ, जैसे एक जिसने जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है क्या, जैसे अभी दूध चाय हाँ, मैंने पाया वो भी मैं बता सकता हूँ हाँ, कैसा स्वाद। हाँ, बस बस। तो आपने पूरा जीवन इस मार्ग पे दिया है, हाँ, बच्चापन से और अभी तक आपने पूरा जीवन देखा है, तो जीवन का क्या अनुभव रहा, क्या सारांश था? देखो, उसका इसका कोई मतलब नहीं है, क्या कारण है और क्या अनुभव रहा और क्या हमने किया क्या नहीं किया है, ये तो ऊपर वाला जाने, अपना करना कर्तव्य है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम कर्म कर, कर्म करने का साथी है, फल का तेरे बात पर नहीं है। अब फल हम कसूर का है कि हम ये किया हमको ये मिल जाए, हमने कभी दर्शन कहा नहीं भगवान से, हमको दर्शन दियो तुम, इस दर्शन दियो। जब स्वतः जब आपके अंदर भावना जागृत होगी तो समय सब दे दोगे, अब अपने आप दे दोगे, कहने से नहीं होता है, कहने से आदमी को और होता है। लेकिन जब अपने आत्मा जागती है, एक भगत हमारा शिष्य हमारा था, वो फोन मांगता फोन नहीं दिया, और जब हमारा मन आया तो उसको मैंने ले जाओ फोन ले जाओ, तो उसको दे दिया। तो अंदर से आत्मा जब मानती है तो वही काम होता है। अच्छा, तो कहने से नहीं होता है, कहने, लेकिन ये है कि भाई गृहस्थ आदमी है उनको कहना पड़ता है, वो नहीं कहें तो नहीं काम चलता है, उनको कहना पड़ता है, उनको मन मानता है, परिवार मानते हैं, सब उसको कि कही कहो तुम तो वो जो करते वो सभी ठीक कहते हैं। गुरु जी, जैसे एक साधक का जैसे जो भगवान की साधना है, गृहस्थी हो चाहे संत हो चाहे ब्रह्मचारी हो, तो उसकी भोजन का क्या आहार होना चाहिए, उसकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए एक साधक के लिए? भाई ऐसा है कि आहार जैसा जैसा जिसका गुरु वैसा है उसका काम, गुरु जैसा होगा वैसे लस्सा लगाएगा, जैसे जिसके पिता होंगे वैसे बच्चे लगाएंगे, जो पिता दारू पीता होगा वो बच्चे दारू पीना शुरू कर देंगे, वो वहीं रुकेंगे, और जो नहीं होगा वो नहीं रुकेगा, नहीं पिएगा। तो जैसा वो जैसा गुरु वैसा शिष्य, कभी कभी ऊपर उठ जाते हैं, कोई कोई ऊपर उठ जाते हैं, कभी कोई बिल्ले में है भगवान की कृपा हो वही जुट जाता है। अच्छा, नहीं तो सब उसी में रहते हैं, जैसे माता वैसे जैसे पिता जैसे बच्चे। अच्छा, जैसे गुरु वैसे शिष्य, गुरु त्यागी होगा गुरु सही होगा तो उसका वो असर पड़ेगा उस पर। हाँ,
मतलब अपने शिष्य अपने हिसाब से गुरु को ढूंढता है, गुरु अपने हिसाब से शिष्य को ढूंढते हैं? वो अपने हिसाब लगा लेता है उसको, जैसा कहेगा वैसा मानना पड़ेगा उसको। अच्छा गुरु जी से एक, मैं अपनी साधना में कभी कभी भजन करता हूँ, कभी कभी वो छवि दिखती है स्वप्न में और फिर वो बात करना शुरू करता हूँ लेकिन वो छवि बीच में टूट जाती है। टूट जाती है, अभी कसर है, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हो। जब पहुँच जाओगे तब वो सब हो जाएगा। फिर पूरी नींद खुलने के बाद पूरी रात तो वो ऐसा एक जन्म से नहीं होता है महाराज। एक जन्म से, ये जन्म जन्म से अगर हमारी भरोसा नहीं रहो कुमारी, जन्म जन्म से अगर होती है, एक जन्म से नहीं होता है। एक जन्म साधु बनना, साधु बनना कोई मुश्किल बात नहीं, साधनास नहीं है कि भगवान है, ये तो भगवान की कृपा। जब ऐसा जन्म जन्म से लगे हमारी भरोसा, जन्म जन्म से लगे, जन्म जन्म से अब कुछ, अब हमने कुछ भजन किया है, अब जो रह गया है वो फिर उसी हाथ में है, वो चाहेगा तो फिर होगा। कई एक साधक कहते हैं कि हमने भजन करना है, तो भगवान कहते हैं भजन तुम करो लेकिन हम चाहेंगे तभी तो करोगे, कि भगवान चाहेंगे तो उसका नाम लेगा और नहीं चाहना नहीं है। और ये तुमने कहा ये लगाया है, अब हम कहें नहीं लगाना है तो नहीं लगाना, फिर नहीं है। ये गाय फूट खींच रहा है, हमने कहा नहीं फूट नहीं खींच जाए तो नहीं फूट खींचा, ये बात है। लेकिन ऐसा वो कैसे सुनेगा भगवान को, कैसे मानेगा? थोड़ा एक इच्छा होती है, जैसे बच्चे की इच्छा होती है माँ के पास जाने की, उस पर क्या ये होता है, लेकिन ये एक समय पर नहीं होता है। ये इच्छा करो, इच्छा करते रहो तो कभी कभी पूरा हो जाएगा। भगवान कहते पूरा हो गया तुम्हारा, पूरा होगा, ये गारंटी बात है पूरा होगा। लेकिन ये है कि लगे रहने की बात है, लगे रहो, निराश होने की बात नहीं है। कोई काम नहीं हुआ तो निराश ना हो। और जो निराश, जैसे एक एप्लीकेशन भेजा नौकरी लिए भेजा, फर्ज करो नौकरी लिए भेजा और नौकरी नहीं लगी, वो उसको पीछा नहीं छोड़ रहा है, फिर दूसरा पर करो, तीसरा करो, चौथा करो, कहीं ना कहीं लगी जाएगा। जहाँ संस्कार इसमें लिखा होता है भैया, अभी तुम्हारे ऊपर यहाँ सब हमारे ऊपर सब लिखा हुआ है, कोई खाली नहीं भेजता है। लड़के बच्चे कोई बच्चे कोई जाए कहीं जाए तो कोई खाली में माता पिता खाली नहीं भेजते हैं, कुछ देकर भेजते हैं। ऐसे वो हमारे सबका पिता ब्रह्मा है तो कुछ भेजा, अगर हम सब आए संसार में आए हैं तो कुछ हमारे सब पर लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें हाथ में इसमें लिखा है, तो वही सब होता है। लेकिन अब जो जानता है वही, अब एक कन्या की शादी करने दस जगह चढ़ता है और जहाँ संतोष लिखा होता है वहीं पढ़ते बैठ जाता है, सोच भाई और कुछ लेते भी नहीं वो, और जहाँ देने की सोच करता है वहाँ कुछ लेते नहीं, वो लेते नहीं, वो मानते नहीं। और जहाँ कुछ नहीं है वो कुछ नहीं, और बढ़िया घर मिल जाता है, बढ़िया लड़की सुख रहती है बढ़िया, लेकिन जहाँ लिखा होगा भगवान लिखे जाए। तो जन्म से जन्म बाद में होता है, ये पहले विधान पहले बन जाता है। जैसे कोई चीज़ है अब तुम भेजते हो लेकिन तुम पहले रफ बनाते हो, रब बनाए तैयार किया कि भाई गलती हो तो यही बने, तब लबरा कहता कहते हो, ऐसे भगवान बनाता है। तो ये सब पहले भगवान। अच्छा, और गुरु जी जैसे कभी कभी चाहते हैं कि काम क्रोध लोभ मसा ये विनाश के कारण है, लेकिन फिर भी इनको ना चाहते भी ये हमारे विकारों में क्यों आ जाते हैं? ये भगवान के पास आ जाते हैं, वो सबको नहीं चाहते कि सब कोई ऊपर चला जाए। सब कोई ऊपर चला जाएगा तो वो फिर क्या करें, फिर क्या करें, ये सब इसी में घूम रहेगा, इसी घूम घुमैया में चक्कर रहेगा। जैसे वहाँ पर है द्वारका में दिखाया है और सुसावा कुछ दिखाया है, चौरासी भ्रमण है, वो गोल गोल घुमाते उसमें, अब वो घुमा वहाँ पहुँच जा निकल जा सकता नहीं है। तो ऐसे ही 84 कोस का है मरा, इसमें क्या किसी को रहेगा, कुछ कुछ नहीं कह सकता जाओ तो कुछ कुछ। लेकिन ये है कि अब सब कोई अपना नहीं कर सकता, परमात्मा जैसा चाहेगा, राम जैसे चाहते थे वैसे ही बोलता था वो। अब देखो वो कहाँ बैठे हैं, लेकिन कहाँ लंका जलाया और बाहन चल पड़े और सब जब जल गया। अब रावण कहने लगा कि हम बुद्धिमान कहाँ हैं, बुद्धिमान कहाँ रहे, सब कपड़ा लगा दो, सब तेल लगा दो, सब घी लगा दो, सब लगा दे, पूछ में लपेट दिया और उन्हीं ने मकान जला दिया। जब मकान जला तब अरे हमारे मकान जला दिया, हमारे सब हमारे, तो उन्हीं ये है। तो बुद्धि खेल है,
बुद्धि वाले बुद्धि जो है वो दूसरे को हानि करती है और क्रोध अपने हानि करता है। जितने बताया आपने ये अपने आप को हानि करती है और बुद्धि दूसरे को हानि करती है कि दूसरे ले चढ़ बैठेगी। ये अच्छा। तो गुरु जी से आपके पास कोई भगत और शिष्य आते हैं तो आप क्या मार्ग बताते हैं? आपके पास कोई शिष्य भगत आते हैं तो आप क्या मार्ग बताते हैं? भाई उसकी उसकी लव देखते हैं किधर जाने वाला है ये। अच्छा, जहाँ जाने वाले उसे भी बता दीजिए, जरूर जाओ जाओ। जैसे मैंने अपने मन की बातें बताई आपको, मेरी विकार भी बताए, अपनी कमी भी बताई, मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि मैं इस भक्ति में अग्रसित रहूं और संतों के दर्शन करता रहूं। देखो, भक्ति मार्ग में लगे रहो और करते रहो, सफलता हुए चाहे ना हुए ये ऊपर वाले की बात है, सफलता देने के ऊपर वाले की बात है। कर्म करना, भगवान ने कहा तू कर्म कर अपना, फल देने के तो सफलता अपने अपने हाथ में नहीं है। कोई कहता हमने किसी से मांगा, बैंक वाले से मांगा, बैंक मैनेजर से आया, जहाँ बहन महल बनाया था, ये सब बनाया उन्होंने बनाया है, जगह हमने बढ़ाया बनाया उन्होंने बनाया है, तो उनके पास आता रहता है अलवर से, तो बैंक मैनेजर साहब तो अच्छा अच्छा नोट लाया, नया नया गाड़ी लाया था वो, हमने कहा पाँच रुपये की गाड़ी दे दो, ये बोला ले लो महाराज, तो निकला उसे कि 20 किलो के, 50 किलो के, 100 किलो के, 5 किलो के, मैंने कहा हमने 5 ही बोला, 5 ही लूँगा। तो हमने सोचा कि इससे कुछ कहना नहीं चाहिए, अपने आप जो दे देगा वो, अगर हम इसको कहते नहीं कि 5 का दो तो इसे कहते कि भाई जो पैसे बात बदल को बात दे दो तो जो दे दो वही ले लो, और जो कहो तो उस पर रहो, अरे लू भी हो जाते हैं लू, अगर मैं 5 कहा उसने 20 निकला, अगर 20 गड्डी ले लूँ तो लू भी हो जाए, लू भी हो गया, देख लू भी हो गया ना मन, तो ये हमने सोचा कुछ कहना नहीं है किसी को, कोई जो दे अपना आप ले दे, चाहे वो 10 दे, चाहे 5 दे, चाहे 1 दिए, जो दे दे दिए। हमें भगत बहुत भगत बड़े बड़े सेठ हैं, लेकिन सब कहते हैं महाराज क्या लाऊं क्या लाऊं, जो तुम्हारी इच्छा से ले आओ, सब कुछ गिरना पड़ा है, जो इच्छा ले आओ, तो अपनी इच्छा से ले आता है बहुत सुख जाता है। हम कहेंगे तो वो लाएगा और वो भारी पड़ेगा उसको, कहने मांगने से आदमी को भारी पड़ती, चाहे 1 रुपये मांगो और चाहे 10 रुपये अपने मर्जी दे देंगे, 10 रुपये अपने मर्जी दे, और मांगो तो 1 रुपये उसको, 1 रुपया तो मांगो तो 1 रुपया तो भाई पड़ेगा, दाद नहीं है हमारा, ऐसे बहुत भी निकल जाते हैं। सब जब चावल ऐसे खाता हूँ बिल्कुल नरम, जहाँ से चलाना पड़े निकल जाओ निकल जाओ। बस और महाराज जी आप कितने समय तक फलारी थे? 30 साल हो गया पैसा, 30 साल हाँ बड़े बड़े यहीं रहे, 30 साल फलारी थे, ऐसे है। हमने देखा इसमें सब ज़्यादा सब जगह जाना पड़ता है, सब जगह खाना पड़ता है, अब क्या खाना, कोई अच्छा मरा क्या खिलाया, कोई जिया खिलाया, कोई माता खिलाया, कोई जीता खिलाया, चारों सब अब इसमें कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, कोई बुलाता नहीं, ये सब खाने वाले सब चले जाते हैं अपना, जहाँ भंडारा हुआ तहाँ चले के खाइए, देना सब पड़ेगा, जो नहीं कहोगे वही रहेगा, और जो मांगोगे तो वो सब तो लेगे तो वो सब देना पड़ेगा भैया, चाहे 10 रुपये की चीज़ लाया है, 10 रुपये तुम्हें भजन, 10 रुपये भजन, अरे वरना नहीं कुछ कहना पड़ता है, ये तो ऊपर से कर जाता है। जो नौकरी करते हैं मीन में कंपनी में, कंपनी कहीं कैसे हैं तो कंपनी वाले कहते थोड़े हमारे पैसे काट लो, वो जितना दिन नहीं जाएगा उतना अपने आप काट के तो हमें तनख्वाह दे देंगे, उसको कहना नहीं पड़ता, अपने आप काट देते हैं, वो घर लिख दे रहे इतना हाजिर लगाओ उनके, नहीं है तो ना सही, ऐसे भगवान कुछ कहना नहीं पड़ता, अपने आप हमारे सबको ऊपर कर जाता है। अच्छा गुरु जी, जैसे कि आपने जैसे अभी आश्रम आपको होते भी आपने शिष्यों को पूरा संपूर्ण कर दिया, ऐसा क्या कोई कारण हुआ, भाव आया ऐसा, या इतना जल्दी आपने पूरा उत्तराधिकारी? नहीं, ये सब भगवान की कृपा होती है, जब उसकी कृपा हुई तब तुम्हारे अंदर वही भाव आ जाएगा, जब वो कृपा करेगा तब वही भाव आ जाएगा, अब उसी भाव पर चलना चाहिए, जैसा वो कहे उसी आज्ञा मानना चाहिए। अब हमारा अब भगवान कलयुग में ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन भाव प्रकट करते हैं, अब भाव प्रकट हो गया, अरे नहीं ऐसा करो वैसा करो, आज ये बनाओ आज ये बनाओ, तो जो ही बनाओ जो मतलब भगवान ने कहा है मान लेना, अपने मन से मान लेना है। अच्छा बस कि वही करो, तो ये ऐसे ही भगवान जाओ गलती है, ठीक है जो सोच छोटा बोता जानते हैं बता दिए, लेकिन ऐसे ही कुछ रहने दो,
अरे कुछ नहीं लेना है, नहीं 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 लाया नहीं, नहीं रहने रहने दो, रहने दो, कुछ नहीं लाओ तो ठीक है। नहीं नहीं मानते नहीं हैं, लेकिन रामकृष्ण जो महाभारत करा है और जो लंका जला, जितना उनकी इच्छा रही वही बोलते हैं, वो जो वो करना चाहते हैं वही बोलते हैं। अब भगवान चाहते रथ हाँकूँ मैं, तो अर्जुन बोला कि हमारा रथ हाँक नहीं है, हाँ तो अरे जो कुछ चाहते वही होता है, जो कुछ बड़ा बड़ा चाहेगा वही होगा, वही हम वही जमात बोल रहे हैं। हमें सब क्या है, जब कहते आगे पाँव रखते जब उसकी कृपा हो जाए तो बस यही मान लेना है, मान लेना है। लेकिन आज के समय तक तो जानते सब है, लेकिन वही चीज़ नहीं। हमारे सबको ये है कि संतन की संतन संतन की कृपा से ये सब होता है। संतन की कृपा होगी तो संत कह दिया कि हाँ ऐसे करो ऐसा करो, ऐसा मान लो भाई ये भगवान बोलते हैं। हाँ भाई, अब इनके मुझे भगवान बोल रहे हैं, इनके मुझे ये क्या बोल रहे हैं, मुझे भगवान ही बोल रहे हैं, तो भगवान सब वही कह रहा है। बड़े ये है, सब भगवान की इच्छा है, जो कुछ करे सब वही करेगा। कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए, सब वही करता है। जाओ साथियों, जैसे महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश की, मेरा उद्देश्य संतों के दर्शन करना है, अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना, ऐसे लगातार संतों के दर्शन करूँगा। ये संतों के दर्शन गुरु कृपा और हरि कृपा से हो रहे हैं। तो ये कि अच्छे अच्छे संत मिलते हैं, अच्छे अच्छे महात्मा मिलते हैं, ज्ञानी से मूर्ख से सबसे पद मिलते हैं और तुम सब में घुस जाते हो ये भी भगवान की कृपा है। अपने को परमात्मा की बड़ी कृपा समझो कि इस लाइन में लगाया है, जाने से अच्छा इसमें है। हाँ, और नम्रता ही आपके पास नम्रता है तो ये भगवान की कृपा है, बहुत होते है। बस आशीर्वाद बनाए। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। साथियों, अगले सत्संग के साथ, अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।